हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ क्या होता है। देखो कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज, ठीक है, इसको हम Q1 कह देते हैं और इस वाले को Q2 कह देते हैं, ठीक। ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके नेचर पे। अगर दोनों का नेचर सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है, ठीक है। अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर रही, मतलब उसकी तरफ खींच रहा, ठीक है, तो जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये एक फोर्स है। और जो फोर्स होगा उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो जो वो मैग्नीट्यूड होता है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब होता है जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही कम फोर्स होता जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है, अगर आप उनको दूर दूर लेके जाओगे तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो मिलेगा हमें Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो ये 1/4πε0 है, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻¹, ठीक है। अभी इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो बड़ा ही सिंपल तरीका है यूनिट निकालने का। हम इसकी यूनिट निकालते हैं ऐसे, हमें चाहिए इस पूरे की यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल्स टू 1/4πε0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब की यूनिट्स पुट करते हैं, जैसे फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज का स्क्वायर, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी? 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, जैसे ये, ठीक है। ये इस सिंबल को बोलते हैं एप्साइलेंट नॉट। क्या कहते हैं सिंबल को? एप्साइलेंट नॉट। और जो ये क्वांटिटी है, ये है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब जो ये दोनों चार्जेस रखे हुए थे हमने, वो किसी मीडियम में रखे गए हैं, और यहाँ पे जो हम मीडियम की बात कर रहे हैं वो है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस एक्चुअली यहाँ पे फ्री स्पेस से मतलब है वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, ये कहाँ पे रखे हुए हैं? एक मीडियम में रखे हुए हैं। अब मीडियम क्या करेगा? इन दोनों चार्ज पार्टिकल को आपस में इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने देगा, ठीक है। तो जब परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है, ये क्या है? एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो चार्जेस को आपस में इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, ठीक। तो इसकी वैल्यू होती है
एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10^12 -12। अच्छा अभी इसकी यूनिट निकालनी है। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखो इस वाले फॉर्मूले में जो ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, यूनिट निकाल रहे हैं अभी इसमें हमने जो फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल्स टू F, हमें एप्साइलन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो मैं एप्साइलन नॉट को यहाँ F की जगह लिख देता हूँ और F को यहाँ नीचे भेज दूँगा। तो क्या होगा 1/4 पाई F हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट हो जाएगा। तो अभी इसकी यूनिट कैसे मिलेगी हमें, Q की यूनिट कूलम और दो हैं तो कूलम स्क्वायर, अच्छा अपॉन में R² है और फोर्स भी है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन और R² की वैल्यू क्या हो जाएगी m². ठीक है, तो ये होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमिटिविटी फ्री ऑफ अ फ्री स्पेस। एक्चुअली यहाँ पे हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, अब देखो क्या है, अगला जो टर्म है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको समझते हैं हम। अब देखो क्या है, हमारे पास जो ये दोनों चार्जेस थे, एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, ये Q1 था और ये Q2 था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो था, अच्छा इसे एफ नॉट लिख देते हैं, नॉट का मीन्स फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो होगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये होगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जो ये दोनों चार्जेस हैं इनको एक मीडियम में रख देता हूँ, कहाँ रख देता हूँ, एक मीडियम में रख देता हूँ। ठीक है, इनकी बीच का जो डिस्टेंस है वो R ही है, ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू सेम है। हमने क्या किया, उन दोनों चार्जेस को सिंपली उठाया और एक मीडियम में डाल दिया। अब देखो क्या होगा, जब हम मीडियम में डालेंगे तो मीडियम में डालने पे क्या होगा, यहाँ पे इनमें से कौन कौन से टर्म्स चेंज होंगे। देखो जब हमने मीडियम चेंज किया तो Q1 और Q2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि चार्जेस सेम है, ठीक है, और उनके बीच के डिस्टेंस भी हमने सेम रखा, चेंज नहीं किया। अब जो चीज़ बदल रही है वो बदल रही है क्या, मीडियम, क्या बदल रहा है, मीडियम बदल रहा है। ठीक है, पहले था फ्री स्पेस और अभी हमने मीडियम चेंज कर दिया। अब मीडियम चेंज होने पे इनमें से कौन सा टर्म बदलेगा, इनमें से टर्म बदल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन बदल जाएगा तो क्या होगा, नया जो फोर्स आएगा हमारे पास वो नया फोर्स होगा एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R². ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्या बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन, मतलब मीडियम बदल गया, तो मीडियम बदलने की वजह से एप्सिलॉन बदल गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन ए कहते हैं और इसको हम इक्वेशन अगर बी कह देते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन ए को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन बी से, डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय इक्वेशन बी। ठीक है, इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² और इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R². ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सारे टर्म्स सेम हो गए, Q1 Q2 अपॉन R² Q1 Q2 अपॉन R² तो ये सारे टर्म्स
कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचता है 1 बाई एप्सिलॉन। ये इनको थोड़ा ठीक तरीके से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो ये टर्म है इसको हमने लिख दिया एप्सिलॉन आर। क्या लिख दिया इसको हमने, इसको लिख दिया हमने एप्सिलॉन आर या फिर के। ठीक है, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये के इसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये के या फिर रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो होप सो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, क्या अगर हम मीडियम बदल देते हैं तो मीडियम बदलने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी बदल जाता है। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बदलता है, एप्सिलॉन नॉट बदलेगा तो एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा और फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हमारे पास एक चार्ज ये था, फॉर एग्जांपल मैं इसे पॉजिटिव मान लेता हूँ, और दूसरा चार्ज ये था, इसे भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी बना देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों फोर्सेस कैसे हैं, दोनों फोर्सेस पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो देखो ये पहला वाला फोर्स इस वाले पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि नेचर दोनों का सेम है, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले फोर्स को मैं लिख देता हूँ एफ, इस वाले फोर्स को भी लिख देता हूँ एफ। ठीक है, तो यहाँ तक जो बात थी, यहाँ तक बात तो ठीक थी। अब बात गड़बड़ कैसे हो जाती है, गड़बड़ कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर मैं वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, दोनों में वेक्टर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे बात थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई बात गड़बड़, क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, दोनों चीज़ को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है, जबकि दोनों के डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट है। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो मैं दोनों चीज़ों को सेम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास वेक्टर ए है ये, और अगर मैं इसका डायरेक्शन घुमा दूं तो ये वेक्टर ए नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, क्या होगा, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए होगा। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर थे लेकिन डायरेक्शन में क्या थे, उल्टे थे, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब दोनों को एफ नहीं लिख सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ F12, इसको लिख देता हूँ F21। अच्छा, F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन बाई टू, मतलब पहली बॉडी पे फोर्स लग रहा है दूसरी बॉडी की वजह से, फोर्स दूसरी बॉडी की वजह से। और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन टू बाई वन, इसका मतलब होता है सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो क्या है, अच्छा इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो आर था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। अब देखो क्या है,
मैं F12 को लिखूंगा, तो 12 को कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2। अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ रह गई है या कुछ अधूरा लिख दिया है। क्यों लिखा हुआ अधूरा, अब ज़रा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, Q1 Q2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी, R क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी, और लेफ्ट साइड में हम बता रहे हैं कि ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और राइट साइड में हमने जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं सभी के सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब हमें चाहिए कि ये राइट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाए, तो उसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए उस कॉन्सेप्ट को। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का, क्या है यूनिट वेक्टर। अब देखो क्या होता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन, बताता है क्या, बताता है डायरेक्शन, बताता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जांपल, आई कैप लिख दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप लिख दिया इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सेस, और के कैप लिख दिया इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सेस, ठीक है। अगर आई कैप लिखा हुआ है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सेस, जे कैप लिखा हुआ है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सेस, और अगर के कैप लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सेस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें इस तरीके से लिखूँ तो क्या होगा, ये इसको दूसरी साइड मल्टीप्लाई किया तो ए कैप। अब देखो क्या है, ये जो चीज़ है ये है मैग्नीट्यूड, ये किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। तो वेक्टर के पास, एक वेक्टर के पास दो चीज़ें थी, एक मैग्नीट्यूड था दूसरा डायरेक्शन था। मैग्नीट्यूड ये जो इसमें पैरेलल बार से शो कर रखा है ये मैग्नीट्यूड है, और जो कैप से शो कर रखा है ये डायरेक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख देता हूँ कोई वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5i कैप, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है और ये है अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी इस साइड में भी यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर कैसे लगाएंगे इसको समझिए, ठीक है, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, अब यूनिट वेक्टर कैसे लगाना है इसको समझिए ज़रा। देखो क्या है, ऐसा है, ये हमारा पहला वाला वेक्टर है, क्या है ये पहला वाला वेक्टर, सॉरी पहला वाला चार्ज है और ये दूसरा वाला चार्ज है, ठीक है। जो F12 है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, या फिर जो उसका नेचर है वो कहाँ से आ रहा है, ये लग रहा है फोर्स दूसरे वाले से, मतलब ये जो दूसरा वाला है फोर्स लगा रहा है किस में, पहले वाले की तरफ, मतलब दूसरे वाले से पहले वाले की तरफ फोर्स जा रहा है। कैसे जा रहा है, जो दूसरा वाला था उससे फोर्स जा रहा था पहले वाले की तरफ, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं R कैप 2 1, ये 2 1 क्या बता रहा है कि दूसरे वाले से जा रहा है पहले वाले की तरफ, ठीक है। क्या बता रहा है ये, कि दूसरे वाले से पहले वाले की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे F12 बता रहा है कि फोर्स ऑन 1/2, मतलब पहली बॉडी पे फोर्स लग रहा है दूसरी बॉडी की वजह से, और R21 बता रहा है कि दूसरे वाले से फोर्स जा रहा है पहले वाले की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब जो फोर्स आ रहा है वो दूसरे वाले से पहले वाले की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अभी और क्या चीज़ करते हैं हम, अभी इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये आर कैप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर 2 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ R21 किसके बराबर है, R के बराबर होगा,
ठीक है, तो ये जो कैप है, आई कैप, आर कैप, उसकी जगह हम ये वाला टर्म लिख देते हैं फोर्स में। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर टू वन की जगह क्या लिख देते हैं, आर कैप टू वन की जगह क्या लिख देते हैं, वेक्टर आर टू वन डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये जो भाई मैग्नीट्यूड था उसकी जगह हमने आर लिख दिया डायरेक्टली। तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, वन टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब टू टू वन। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसी तरीके से एफ टू वन को लिखेंगे। तो हम इतना पूरा एक्सप्लेन करने की जगह हम सिंपली लिख देते हैं सिमिलरली एफ टू वन किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब वेक्टर वन टू। ठीक है, ये एफ टू वन हो गया। ये वन टू लिखा हुआ। अच्छा, अगर मैं इसे इक्वेशन वन कह दूं और इसे इक्वेशन टू कह देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें सिंपली ये मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब वेक्टर टू वन प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब वन टू। ठीक है, तो इसमें वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू पाई आर क्यूब, ये सब क्या है, कॉमन है। तो फोर्स क्या मिलता है, वन टू प्लस एफ टू वन, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब। तो अंदर क्या बचेगा, आर वेक्टर टू वन प्लस आर वेक्टर वन टू। अब देखो क्या है, जो टू वन है टू से वन की तरफ आ रहा, ठीक है, वन टू का मतलब वन से टू की तरफ आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वन टू। ठीक है, मतलब आर टू वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आर वन टू। तो हमें क्या मिलेगा, एफ वन टू प्लस एफ टू वन इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब, ये जाएगा माइनस आर वन टू प्लस आर वन टू। ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में पूरा हमें जीरो मिल जाएगा, और एफ वन टू प्लस एफ टू वन इज इक्वल्स टू जीरो, और एफ वन टू इसको दूसरी साइड में ले जा लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव। तो ये कुल इसमें कूलम न्यूटन का थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, इसमें कूलम्स फोर्स में
ये बताना भूल गया मैं कि कूलाम्स फोर्स या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलाम्स फोर्स कूलाम्स फोर्स फोर्स इज अ सेंटर लाइन फोर्स, सेंटर लाइन फोर्स। अच्छा, सेंटर लाइन फोर्स का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, दोनों के सेंटर्स हैं ये, ठीक है, इनके दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है ये। तो अब ये पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, वो इसी लाइन के अलॉन्ग करेगा, और ये दूसरा वाला चार्ज भी इस पहले वाली बॉडी को इसी लाइन के अलॉन्ग रिपेल या फिर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ छूट गया था। अच्छा, एक और चीज़ था कि कूलाम्स लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्या है? कूलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।